और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत कर दी है। कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से तेजस्वी की यात्रा शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने यात्रा के जरिए संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना बताया, लेकिन सियासी गलियारे में तेजस्वी की यात्रा को कोई नौटंकी तो कोई पिकनिक बता रहा है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी की यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तेजस्वी निकल पड़े कार्यकर्ता संवाद करने। पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटानी है और न ही कोई रोड शो या सार्वजनिक कार्यक्रम होने हैं। सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। बात जब जेडीयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने तेजस्वी की उस यात्रा की याद दिला दी जो लोकसभा चुनाव के दौरान निकाली गई थी। ललन सिंह ने यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली खाने वाली घटना का जिक्र किया। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहे, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुन ही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तो यात्रा को पिकनिक बताने में पीछे नहीं रहे। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जनता के बीच बैठकर ये सवाल पूछने को कहा कि अपराध कौन बढ़ा रहा है। ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं, अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए, सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है, बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह भी तेजस्वी पर हमला करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस यात्रा का रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया और ये भी बता दिया कि आरजेडी को कितनी सीटें आएंगी। यहां तक कि अनंत सिंह ने तेजस्वी को अपराधी भी बताया। ये आठवां आएगा सीट। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपराधी से मिलते हैं, अपराधी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आप जो खुद तो अपराधी है, बाप कितना दिन जेल में रहा आप लोग नहीं जान रहे हैं, जो खुद अपराधी रहता है दूसरा का अपराधी कहता है। तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा का पहला चरण है। पार्टी की छवि को बदलने की मुहिम में गमछा के बदले टोपी और बैज आ गया। कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर तेजस्वी पार्टी के अंदर और बाहर एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से अमित कुमार, पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट।